आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो भाजपा को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। जी हां, भाजपा ने एक प्रचंड जीत दर्ज की है 2023 के निकाय चुनाव में। जी हां, नगर निगम की सभी 17 सीटों पर इस बार भाजपा की जीत दर्ज हुई है, यानी 17 मेयर की सीटों पर सभी 17 मेयर इस बार भाजपा के होंगे। वही नगर पालिका में भी भाजपा का एक बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिला है। तो नगर पंचायत में भी भाजपा ने 2017 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। तो वही विभांशु सीधे भाजपा कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां इस वक्त जश्न का माहौल है। विभांशु, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पे? आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता, साथ ही साथ उनके घटक दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद, इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ प्रदेश भर की जनता को कहीं ना कहीं अभिवादन और एक कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर की तस्वीरों को देख रही है। इस जीत के पुतों को बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर दुकानों की दिवाली है, ऐसा एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला है। आप यहाँ देख रही है कि कार्यकर्ताओं के हाथ में मिठाई है और ये अपने देश यानी कि जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और इस ऐतिहासिक जीत के उत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर में जो ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा था वो पूरी तरह से पूरा हो गया है। मैं यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जीत पर उत्सुकता है और कितना जो उत्सव का माहौल है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ तस्वीरों में देख रही हूँ सहयोगी अरविंद से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक जीत को का जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कई श्रेष्ठ नेता है, आप मैं कहूँगा कि जीत पर भी
से स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप हासिल किया है। आप जनता का बहुत बहुत आभार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और योगी जी के दाइनाडन की तारीफ मध्य प्रदेश कर रही है। विपक्षी दलों का पूरी तरह से सफाया प्रदेश के ऊपर है। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई तस्वीरें भाजपा कार्यालय से देखिए जो है इस वक्त जश्न का माहौल है और आपने देखा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने इस जीत का श्रेय पूरी तरीके से जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ सूबे के मुख्य और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि ये जीत जनता की जीत है क्योंकि जनता की वजह से ही उनके प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत दर्ज की है। तो आप सीधी तस्वीरें भाजपा प्रदेश कार्यालय से बाहर की देख रहे थे जो हमारे सहयोगी विभांशु लगातार हमारे साथ मौजूद थे, वो पल पल की अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे थे। तो विभांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया को भी दिया है, कैसे देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता जीत को? जी, साफ तौर से कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां हैं उसका नतीजा है कि चुनाव में बेहतर परिणाम लेकर हम जीत हासिल किए हैं। मैं अपने सहयोगी अरविंद से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं कि सूबे के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौजूद थे। हम इनसे भी संवाद स्थापित करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि आखिर इस जीत का श्रेय वो किसे देंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो इसमें चुनावी सभाओं में आमतौर पर बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बताते हुए नजर आए और कहना था उनका कि अगर प्रदेश के अंदर में ट्रिपल विजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी। हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे सूबे के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से। जी, तो साफ तौर से आप देख रही हैं कि लगातार सर इस जीत का श्रेय किसे देंगे? सर इस जीत का श्रेय किसे देंगे? साफ तौर से आप देख रही हैं कि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पहले मंदिर में जाकर अब शीश यहाँ झुका रहे हैं और इस जीत पर कहीं ना कहीं भगवान को का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस जीत के लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, हम सब के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को, इसका और असंख्य कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद और बधाई दूंगा। उनके कारण इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले की 2017 की अपेक्षा लगभग दो गुनी अढ़ाई गुनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। अभी भी मतों की गिनती चालू है और भी मुझे लगता है कि आज शाम तक या जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होगी तब तक और भी हमारी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। पीपल इंजन की सरकार बन गई है, विकास की रफ्तार में कितनी तेजी आएगी? विकास के कार्यों में बहुत तेजी आएगी क्योंकि पहले बहुत सारे निकाय गलत लोगों के हाथ में थे, उसमें से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन देने में सक्षम है, हमारे नेतागण जो सुशासन व्यवस्था बनाने में सक्षम है, तो उन गलत तत्वों के हाथ से निकाल करके हमारी पार्टी इन निकायों को ले आई है। बहुत से निकाय नए बने हैं, पहली बार बने हैं, उन निकायों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने ऑलरेडी कार्य शुरू कर दिया है, उन कार्यों को और भी आगे बढ़ाते हुए और भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी। विपक्ष फिर से जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देख ही लिया कि न उनके पास मुद्दा है और न ही उनके साथ जनता है, उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।
जी बिल्कुल, तो आप सुन रही थी मुस्कान, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों का एक वजह है जिसकी वजह से हम निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, मैं अपने सहयोगी अरविंद से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता से कहीं ना कहीं आज मिलकर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। आपको और भी यहाँ कई श्रेष्ठ नेता हैं, उनकी भी बातों को हम सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक जीत पर उनका क्या कहना है। आप ठीक सामने देख रहे हैं कि सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक जीत पर उनका क्या कहना है। क्योंकि बात करें तो भारत देखें पिछले चुनाव को, तो 2017 के अंदर में BJP अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करके और एक ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार कहीं ना कहीं बनाई है। और हम यहाँ कहीं ना कहीं तमाम नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस जीत का श्रेय वो किसे देते हैं। मुस्कान बिल्कुल ठीक है विभांशु, आप लगातार नेताओं से बात करने का प्रयास करें, लेकिन मैं आपको सीधी पहले तस्वीरें एक बार दिखाती हूँ भाजपा कार्यालय की, जहाँ पर इस वक्त जो लगातार जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा ने सभी 17 नगर निगम पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की थी। विभांशु एक बार और हमें वहां की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से वहां की तस्वीरें हैं। तो हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचवा रहे थे जो हाँ इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ साफ तौर से देख सकती हैं कि BJP के कई मंत्री और साथ ही साथ सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका कहीं ना कहीं देखें तो एक सरोजनी नगर के अंदर में इन्होंने भी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और इस निकाय चुनाव में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लखनऊ की ग्रामीण सीटें थी, वहां पर कहीं ना कहीं राजेश्वर सिंह एक भारतीय जनता पार्टी का बेहतर तरीके से पक्ष रखते हुए नजर आए थे। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस ऐतिहासिक जीत पर इनका क्या कहना है और इस जीत का श्रेय ये किसे देते हैं। हम इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने सहयोगी से, यहाँ शंखनाद की जा रही है। जब एक आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई पुराने समय से ही कि जब कहीं बेहतर जीत होती है तो आमतौर पर शंखनाद करके इस जीत में कहीं ना कहीं एक संघ का एक बड़ा योगदान होता है। अब बात करें तो आपने देखा कि यहाँ BJP के तमाम नेता थे। हम सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह से बात करेंगे। सर, इस जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पे, उनकी नीतियों पे, उनकी नियत पे, उनकी निष्ठा पे जनता को अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, इसका कारण है कि ये अभूतपूर्व विजय हुई है। राजेश्वर जी, अब पीपल इंजन की सरकार हो गई है, विकास की व्यवस्था में किसी के लिए और तेज आएगी। लगातार उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है, विकास की गति और बढ़ जाएगी। ग्रामीण जो लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ आप लगातार चुनावी जनसभा किए, तमाम नगर पालिका पंचायतों सीट पे आप BJP के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, उसका नतीजा कि एक बेहतर परिणाम आया है, इसका श्रेय किसे देंगे? नहीं, जनता को और कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मैं श्रेय दूंगा, उनकी मेहनत को मैं श्रेय दूंगा, उनकी निष्ठा को मैं श्रेय दूंगा। इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। लोकसभा हम अभूतपूर्व मतों से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, ज्यादा बड़ी मेजोरिटी होगी। जी, तो साफ तौर से आप सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह को सुन रही थी, जिनका कहना है कि लोकसभा के सेमीफाइनल में हमने जीता है और लोकसभा में एक इससे बड़ी जीत हासिल करेंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये BJP का प्रदेश दफ्तर है, जहां आप देख रही हैं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सरकार के कई मंत्री यहाँ इस जीत के जश्न को मनाने के लिए आए थे। इनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और प्रेस वार्ता में जब बात की जाए तो साफ तौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बताया गया है और जनता का कहीं ना कहीं आभार प्रकट किया गया है कि जनता के इस समर्थन से ही हमें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मुस्कान ठीक है विभांशु, आपने लगातार हम तक तस्वीरें दिखाई, हम वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल है, लगातार जो जश्न का दौर है वो जारी है, क्योंकि भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। जी हां, नगर निगम की सभी 17 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज किया। 2017 के मुकाबले 2023 में भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो 2017 के मुकाबले 2023 में भाजपा का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। तो लगातार विभांशु, भाजपा कार्यालय के
बाहर से अपडेट के साथ ही तस्वीरें हम तक साझा कर रहे थे। तो एक बार फिर से हम रुख करते हैं भाजपा कार्यालय की ओर, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, आप इस वक्त कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है जश्न होना भी चाहिए, क्योंकि 2017 के मुकाबले 2023 यानी कि इस बार भाजपा ने एक अच्छी और एक प्रचंड जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक जीत पर जहां एक तरफ जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के जिम्मेदारान हैं, वो बखूबी अपने इस जीत पर जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हैं। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो नगर निगम के इस चुनाव में पुरजोर मेहनत किए हैं, जिसका नतीजा है कि चुनाव इनके पक्ष में आया है। हम एक एक कार्यकर्ता से बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप श्रेष्ठ हैं, इस ऐतिहासिक जीत पर आप क्या कहेंगे? बढ़िया होगी, मोदी जिंदाबाद, मोदी मुंगे जिंदाबाद। किन नीतियों को से आप प्रभावित होकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की जीत पर आपका क्या कहना है? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अब यहाँ और भी कई नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, इस ऐतिहासिक जीत पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये कहते हुए नजर आया है कि 17 नगर निगम में से बीजेपी की खाता नहीं खुलेगी, मगर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, 17 में से 17 सीटें अपने खाते में की है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत आपने देखा है, उनकी जीत है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस पर उन पर कितना भरोसा है। और ये चुनाव नहीं है, ये 2024 का आगाज है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसे कार्य की ओर बढ़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपनी मेहनत के दम पे 80 में से 80 सीटें चुनाव में जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तीसरे मोर्चे के तहत 50 सीटों पे लड़ेंगे और 50 सीट जीतेंगे। इस चुनाव को कहीं ना कहीं लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया और इसमें अब बीजेपी की एक अजय विजय हुई है, ऐतिहासिक विजय हुआ है, तो लोकसभा में कितनी चुनौती होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये जो बार बार मात खा रही है, नगर निगम में साफ दिख रहा है कि इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। 17 की 17 नगर निगम सीटों में भाजपा की प्रचंड जीत हासिल हुई है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम का परिणाम है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो विचारों से और माननीय योगी जी के प्रदेश में जो नेतृत्व में सरकार चल रही है वो कानून के राज में, इसे भारतीय जनता पार्टी के पे जनता ने अभूतपूर्व विश्वास किया है और उनकी कार्यशैली के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 17 नगर निगमों में प्रचंड जीत हासिल की है। अगर बात की जाए तो जो युवा है, आप तमाम क्षेत्रों में गए होंगे कार्यकर्ता के तौर पर, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे, कार्यकर्ता का किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की 6 सालों की जो सरकार है उसके द्वारा जनता के बीच किए गए जन सम्मान के लिए कार्य, वो सब हम लोगों चुनाव में लेकर उतरे और उसका भरपूर समर्थन मिला, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से कार्यकर्ता कभी ना रुकता है हमारा, ना कभी थकता है, वो अथक परिश्रम के साथ लगातार चलता रहता है, उसी का परिणाम है कि हम लोग नगर निकाय में प्रचंड जीत से हासिल किए हैं। तो इस जीत पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो वहीं महिला मोर्चा की भी तमाम पदाधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, महिला कार्यकर्तियां हैं और साथ ही साथ पदाधिकारी हैं। मैम, इस जीत से कितना उत्साह बढ़ा है? हम उसको जाहिर नहीं कर पा रहे कि कितना उत्साह बना, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी जीत जो विपक्ष वाले थे कह रहे थे कि सफाया हो जाएगा, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, आप लोगों ने देखा है मीडिया वाले बराबर कवरेज कर रहे हैं और जो मोदी जी के योगी जी के जो नेतृत्व में जो देश में प्रदेश नतीजों में कहीं ना कहीं विपक्ष सफाया हो गया है, 17 में से 17 सीटें आपके पक्ष में गई हैं। हमको इतनी खुशी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ही लहर चली है चारों तरफ, भाजपा चप्पा चप्पा, भाजपा चप्पा चप्पा, भाजपा, कोई दूसरा इसमें किसी दूसरे पार्टी का मुखड़ा है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, इसी की लहर आगे चलती रहेगी। महिलाओं ने किन मुद्दों पे वोट दिया है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा काम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने, वो महिलाओं के लिए किया है। शुभ शौचालय बनाए महिलाओं के लिए, जो अशिक्षित महिलाएं थी उनको पढ़ाने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया, जो महिलाएं घर में रहती थी उनको बाहर निकाला। और भारतीय जनता पार्टी में आज मेयर जो बनने जा रही हैं वो एक छोटी सी कार्यकर्ता थी और उन्होंने जो जमीन से कार्यकर्ता बनी काम किया और आज उनको इतना बड़ा मेयर का पद दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जीत हमेशा हुई है और हमेशा होगी।
जी बिल्कुल, तो यहाँ तमाम पदाधिकारी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे अरसे से बीजेपी को देख रहे हैं। इनके अगर बात की जाए तो बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो इनके द्वारा अथक प्रयास किया गया, जिसका नतीजा है कि केंद्र में लगभग 8.5 सालों से और राज्य में 6 सालों से बीजेपी की सरकार बनी है। सर, आज एक बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, आपने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के और 17 सीट अपने दल के पाले में किया है, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत के? ये माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विकास का जो मॉडल है और सबका साथ सबके विकास की जो एक अवधारणा पर हमने निचले स्तर पर समाज के का विश्वास जीतने का जो काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार जनता की जो सेवा की और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से सभी को लाभ पहुंचे इसके लिए प्रयत्न किया, इन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सरकार के सुशासन के कारण ही आज ये प्रचंड और ऐतिहासिक जीत हुई है। जी, तो साफ तौर पे आप तूफानी को सुन रही थी जो बीजेपी के कहीं ना कहीं इस कार्यालय प्रमुख हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार की नीतियां हैं, उससे प्रभावित होकर आम जनता इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट दी है। और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 57 नगर निगम कब्जा हुआ है उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 5 सालों में कितनी तस्वीर इन नगर निगम सीटों में बदलती है, साथ ही साथ नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जहां पे जिस व्यक्ति की जीत हुई है वहां पर आने वाले सालों में 5 सालों में कितनी तस्वीर बदलती है और वो अगला चुनाव बताएगा। बिल्कुल भांशु, कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये भाजपा को एक कह सकते हैं कि बूस्टर डोज की तरह दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा था, जो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक प्रचंड जीत के साथ हासिल कर लिया है। तो इस वक्त अब आप कार्यालय पे मौजूद है, कार्यालय के अंदर और कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहां से निकल चुके हैं, साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री इस जश्न में कहीं ना कहीं शामिल हुए, पटाखों की गूंज में ये सभी नेता कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आए, अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हुए नजर आए, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत पर ऐतिहासिक जीत पर एक दूसरे को बधाई दिए। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। और इनका कहना है कि प्रदेश के अंदर में जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो प्रदेश के अंदर में बेहतर तरीके से स्थापित हो पा रही हैं, जिसका नतीजा है कि हमें एक पूरी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में इस बार एक नगर निगम सीट अतिरिक्त बनाई गई, यानी कि एक नया नगर निगम बनाया गया शाहजहाँपुर, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से बगावत करके और भाजपा का दामन थामने वाली अर्चना वर्मा वहां से पहली मेयर चुनी गई है। ठीक है, लेकिन विभाषु जिस तरीके से अभी आंकड़े सामने आते हैं इसमें तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि भाजपा ने कड़ी मेहनत की थी जिसका उन्हें परिणाम मिला है, लेकिन तमाम हॉट सीट ऐसी थी जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई थी, फिर चाहे वो अयोध्या हो, फिर चाहे वो गोरखपुर हो, और कहा जा रहा था कि सहारनपुर में कहीं ना कहीं टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जिस तरीके से ये पूरे आंकड़े भाजपा के पक्ष में आए हैं, तो क्या अभी तक इन रुझानों पर किसी विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं कांग्रेस का भी हाल ठीक ऐसा ही नजर आता है। बात करें तो अगर देखें तो इस चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं इस बात की अपेक्षा लगाई जा रही थी राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि 17 में से लगभग 10 नगर निगम की सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, मगर सारे अनुमानों पर पानी फेरते हुए भारतीय जनता पार्टी 17 में से 17 सीटों को अपने पाले में की है। वहीं अगर बात की जाए मुस्कान तो प्रदेश के अंदर में मेरठ नगर निगम और साथ ही साथ अयोध्या के अंदर में, सहारनपुर के अंदर में ऐसे लगभग 4 से 5 मेयर की सीटें थी जहां पर बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, वहां पर पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई गिनी जा रही थी। मगर आपको बताएं कि जब पहले फेज की गिनती शुरू हुई उसके बाद से ही
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं सत्रह नगर निगमों पे, अब वो पूरी तरह से बढ़त बनाते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी मुस्कान कि 2024 के अंदर में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये सत्रह नगर निगम की सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई हैं इसका कितना लाभ होता है, क्योंकि अगर बात करें तो जब 24 का चुनाव होगा उसके अंदर में नगर निगम के अंदर में जो तमाम वोटर्स हैं वो मेयर कितना अपने मतदाताओं को मोटिवेट कर पाएगा बीजेपी के पक्ष में, इससे कहीं ना कहीं आसानी होगी कि अपने क्षेत्र के अंदर में अलग अलग जो नगर निगम है वहां पर बीजेपी के मेयर होंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम 2024 बिल्कुल भांजू, यानी कि जिस तरीके से भाजपा लगातार अपने रैलियों के जरिए ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाएगी, तो वैसे ट्रिपल इंजन की सरकार आखिरकार अब यूपी में बन गई है। धन्यवाद भांजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि जो भाजपा के नतीजे है वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले, क्योंकि लगातार भाजपा ये उम्मीद जता रही थी कि जो आंकड़े हैं जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आएंगे, और आखिरकार वैसा ही हुआ। निकाय चुनाव का चक्रव्यूह भाजपा ने पूरी तरीके से भेद लिया है और अपने ही रिकॉर्ड को एक बार भाजपा ने ही चटका दिया है। जी हाँ, 2017 का जो अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड था वो खुद भाजपा ने तोड़ दिया है, और इस बार 17 की 17 ही मेयर की सीटें भाजपा के पक्ष में आ गई है। जी हाँ, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है अतीक अशरफ हत्याकांड का असर निकाय चुनाव में पड़े, लेकिन उन सब के उलट जब ये आंकड़े आए तो इसने तमाम विपक्षी पार्टियों का जो है कहीं ना कहीं मुंह बंद कर दिया, और मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो भाजपा के इस प्रदर्शन ने किया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा था जनता की नब्ज को टटोलने के लिए, क्योंकि सभी पार्टियां ये भापने का प्रयास कर रही थी कि आखिर यूपी की जो जनता का मूड क्या है। ये एक चुनाव ऐसा था जो हर वार्ड से लेकर के हर एक क्षेत्र और हर एक मोहल्ले का चुनाव था, तो ऐसे में जब कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं तो उसने भाजपा के जो कार्यकर्ता है जो नेता है उनका कहीं ना कहीं मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उनमें यह उम्मीद जाग गई है कि अभी भी यूपी में कहीं ना कहीं भगवा ही लहरा रहा है। यही वजह है कि सभी मेयर की सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 17 की 17 सीटें अपने खेमे में लाने का भी काम किया है। तो जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प था, बेहद ही रोमांचक था। ये कहा जा रहा था कि सपा इस चुनाव में कांटे की टक्कर देगी, लेकिन जैसे नतीजे सामने आए तो उससे ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा इस कंपटीशन में कहीं थी ही नहीं। तो वही मेरठ के क्या कुछ आंकड़े रहे, वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीरें कैसी हैं, इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, जिस तरीके से भाजपा ने मेरठ में क्लीन स्वीप करते हुए अपना भगवा लहराने का काम किया है, कैसी स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ माहौल है इस वक्त मेरठ में? देखिए, बिल्कुल 20 राउंड की काउंटिंग हो गई है, और 20 राउंड की काउंटिंग में हरिकांत अहलूवालिया जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं अब दोबारा से वो मेयर बन गए हैं, और 218,736 उन्हें वोट पड़ी है, और वहीं दूसरे नंबर पर एमआईएम की पार्टी रही है, 1,19,179 वोट उन्हें पड़े हैं। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, 1,66,000 वोट पड़े हैं, और बसपा चौथे नंबर पर रही है। तो कुल मिला के देखा जा सकता है कि फिर दोबारा से ट्रिपल इंजन की सरकार जो वादे कर रही थी ट्रिपल इंजन सरकार के वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने मेरठ की जनता को बधाई दी है, उनका धन्यवाद, उनका अभिवादन किया है, और कहा है कि जो मुझे दोबारा मौका मिला है मैं उस पर खरा उतरूंगा, और मेरठ का विकास, प्रदेश की विकास की तर्ज पर मेरठ का विकास करूंगा, और जितनी भी चीजें अधूरी रह गई थी मेरे कार्यकाल में मैं उन्हें पूरा करूंगा। तो फिलहाल देखा जा सकता है यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर नजर आई थी सबों ने यही सोच रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से रहेगी, लेकिन मेरठ में कुछ और ही समीकरण देखने को मिले हैं, क्योंकि मेरठ में हरिकांत अहलूवालिया भारतीय जनता पार्टी के जो टक्कर दे रहे थे वो IMI को दे रहे थे, MIM की जो पार्टी है उससे अनस थे, और अनस सेकंड नंबर पर है, 1,19,189 वोट वो लेकर बैठे हैं, फिलहाल दूसरे नंबर पर है, लेकिन उनका ये कहना है अनस का, हमारी बातचीत हुई कि मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता हूं क्योंकि मेरठ की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया है, और इतने वोट मुझे मिले हैं मुझे यकीन नहीं होता कि मेरठ की जनता ने मुझे इतने वोट दिए हैं। बिल्कुल राजन, जिस तरीके से मेयर की सीट तो भाजपा के पक्ष में आ गई है, ऐसे में नगर पालिका और जो नगर पंचायत है उसके नतीजे कैसे रहे? देखिए, बिल्कुल नगर पालिका नगर पंचायत में भी जो है बीजेपी आगे रही है, और अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है तो बहुत जल्दी उसके परिणाम भी आने वाले हैं, बस कुछ ही देर में फाइनल होने वाला है कि नगर पालिका और नगर पंचायत से कौन प्रत्याशी खरा उतरा है, कौन सीट पर काबिज होगा। फिलहाल अभी कुछ भी सरकारी और ऑफिशियल अभी हमारे पास आंकड़े वहां के नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए जो खबरें सूत्रों के मुताबिक आई हैं हम उन्हीं के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन वही मेरठ की बात करूं तो मेरठ शहर में जो मेयर की
सीट थी वो वाकई में ऐतिहासिक सीट थी, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान है उनकी पत्नी सीमा प्रधान यहाँ की प्रत्याशी थी। माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये जोरदार टक्कर रहने वाली है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है वो कमजोर पड़ गई है, वो बीच में पिंचर हो गई है, जो कि तीसरे नंबर पर सीमा प्रधान को रहना पड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर राजन एक आखिरी सवाल ये है कि मेरठ में 2017 में सुनीता वर्मा बीएसपी से जीती थी, तो आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो जनता ने उनको पूरी तरीके से ही बॉयकॉट कर दिया? देखिए सीमा सुनीता वर्मा जो थी पूर्व महापौर थी, एक तो वो लोगों के बीच में नहीं गई, उन्होंने विकास कार्य उस तरीके से नहीं कर पाए, और बहुजन समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया था बहन जी ने, क्योंकि उनके जो पति थे मेरठ के हस्तिनापुर सीट से वो विधायक रहे थे। ऐतिहासिक सीट है, क्योंकि कहा जाता है जो हस्तिनापुर से जीतता है सत्ता में सरकार उसी की बनती है। तो जब बहन जी की सरकार बनी थी, क्योंकि हस्तिनापुर से जब उनके पति जीते थे योगेश वर्मा, तो बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, सत्ता में सरकार बनी थी। उसके बाद में जब इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तो इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं अगर मैं बात करूं सीमा प्रधान के समर्थन की, तो सीमा प्रधान के समर्थन में उनके पति अतुल प्रधान जो चरदरा सीट से विधायक हैं, उनके सिवा मैदान में कोई भी नजर नहीं आया जो उनके समर्थन में वोट मांग सके। बस एक अखिलेश यादव ही थे जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में और दलितों को उन्होंने साधने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी यहाँ पर बिल्कुल फेल साबित हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में आ गए हैं, तो वही बड़ी और अहम खबर भी लगातार हम आप तक पहुंचा दें। लखनऊ में निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। जी हाँ, आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है, लखनऊ मेयर सीट पर भाजपा की जीत हुई है। तो भाजपा के इस अभेद किले को भेदने में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बार नाकाम साबित हुई, और बीजेपी की सुषमा खरकवाल ने जीत दर्ज की है। तो भाजपा की सुषमा खरकवाल ने जीत दर्ज की है, करीब 3.5 लाख वोटों से यह जीत दर्ज की गई है। तो आगरा में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत, ताजनगरी में भी भाजपा की जीत देखने को मिली है। तो ताजनगरी के मेयर सीट पर भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, आपको बताते चले कि भाजपा से हेमलता ने दर्ज की है जीत। आगरा में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। जी हाँ, भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने ताजनगरी के सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है आज जो हम लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। चंदौली नगर पालिका परिषद की पीडीडीओ नगर में हंगामा देखने को मिला है। तो नगर पालिका परिषद में हंगामा देखने को मिला, मतगणना केंद्र पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जी हाँ, चंदौली के मतगणना केंद्र पर हंगामा देखने को मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर के समर्थकों ने हंगामा किया है मतगणना स्थल पर। किन्नरों द्वारा यह हंगामा किया गया है, अधिकारियों पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाया गया है। मतगणना पूरी होने के बाद भी परिणामों की घोषणा नहीं हुई है, यही वजह है कि जो किन्नर है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो नगर पालिका परिषद की पीडीडीयू नगर में जमकर किन्नरों का हंगामा देखने को मिला है, और ये हंगामा मतगणना केंद्र पर हुआ है। तो फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, तो फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। मेयर सीट पर बीजेपी की बंपर जीत हुई है। फिरोजाबाद में कामिनी राठौर ने बंपर जीत दर्ज की है। तो आपको बताते चले कि फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव की सीट पर भी भाजपा काबिज हुई है। मेयर सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी की दमदार जीत देखने को मिली है। आपको बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी कामिनी राठौर फिरोजाबाद में मेयर पद का चुनाव जीत गई हैं। तो वही पूरे निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत देखने को मिली है। कानपुर में मेयर सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है। तो कानपुर मेयर सीट पर भी भाजपा की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। भाजपा मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे एक बार फिर से कानपुर की मेयर होंगी। जी हां, 2017 के निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज करने वाली प्रमिला एक बार फिर से कानपुर की नई मेयर होंगी।
तो शाहजहांपुर में भी बीजेपी की बंपर जीत देखने को मिली है। जी हां, शाहजहांपुर की जनता ने पहली बार अपना मेयर चुना था और यहां पर भाजपा की बंपर जीत हुई है। शाहजहांपुर से मेयर सीट से अर्चना वर्मा जीत गई है। जी हां, अर्चना वर्मा ने जीत दर्ज की है। तो शाहजहांपुर की मेयर सीट भी भाजपा के खाते में आ चुकी है और अर्चना वर्मा ने शाहजहांपुर में मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने निकाय चुनाव के नतीजों पर भी अपनी टिप्पणी की है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने नीति बनाई तो जनहित के कार्य किए, आदरणीय योगी सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार ने, उसका ये परिणाम है, ये उसका परिणाम है और आगे भी हम 24 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय पर जश्न की तस्वीरें सामने आई, जश्न का माहौल देखने को मिला और जश्न होना लाजमी भी था क्योंकि भाजपा ने निकाय चुनाव का चक्रव्यूह पूरी तरीके से भेद कर अपने पक्ष में कर लिया है। तो नगर निगम की सभी 17 सीटों पर भाजपा ने प्रचंड और बंपर जीत हासिल की है। यही वजह है कि लगातार भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल है। तो वही सपा कार्यालय पर सन्नाटा छाया हुआ है। तो साइकिल चुनाव में पूरी तरीके से पंचर हो गई है और लगातार हम आपको पल पल के अपडेट साझा करते रहेंगे क्योंकि बैलेट पेपर के नतीजे अभी आना बाकी है। लगातार आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।